नमस्कार, मैं देवांशी दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। मेहमदाबाद खतरे चौक काशीबा अस्पताल में निसंतान दंपतियों के लिए बांझपन निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का आयोजन अहमदाबाद के प्रसिद्ध मदरहुड IVF सेंटर द्वारा किया गया था, जो 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस शिविर में डॉक्टर आनंद पटेल एवं डॉक्टर प्रेरणा पटेल, डॉक्टर धरा पटेल जैसी विशेषज्ञ डॉक्टर ने 13,000 से अधिक बांझपन के मामले और 8,000 से अधिक टेस्ट ट्यूब शिशुओं का सफलतापूर्वक इलाज किया है। नडियाद के काशीबा अस्पताल में लगभग एक महीने पहले RIM में पंजीकरण चल रहा था, जिसमें लगभग 125 से 150 जोड़ों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें आज अस्पताल में बड़ी संख्या में इन निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति हुई। संपूर्ण निःशुल्क इलाज, सोनोग्राफी, अनेक जांच एवं उनका मार्गदर्शन पूर्णतया निःशुल्क प्रदान किया गया एवं दवा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। काशीबा अस्पताल के डॉक्टर रविंद्र भाई जाला एवं उनके डॉक्टर स्टाफ सहित स्टाफ के विशेष सहयोग से शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा शिविर से बड़ी संख्या में निसंतान दंपति लाभान्वित हुए। नमस्कार दर्शक मित्रों, दिव्य भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल हम आज अहमदाबाद खातरे चौकड़ी के पास आई हुई बहुत नामांकित ऐसी हॉस्पिटल काशीबा हॉस्पिटल के अंदर है। आज काशीबा हॉस्पिटल के अंदर व्यंध्यत्व निवारण यानी निसंतान दंपति यानी आज के युग के अंदर जो महिला लोग की छोटी उम्र में शादी हो जाती है और खाने पीने में भी दिक्कत होती है, आज हर चीज़ के अंदर मिलावट होती है, जिसकी वजह से दंपति को बच्चे के लिए प्रॉब्लम होता है, तो जिसके लिए खास करके ये काशीबाग हॉस्पिटल के अंदर ये कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल है जिसका नाम है मदरहुड यानी IVF टेस्ट ट्यूब बॉडी बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी जो सेंटर लगभग 20 साल से भी ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है, उसके डॉक्टर है डॉक्टर आनंद पटेल और डॉक्टर प्रेरणा साहब जो बहुत अनुभव वाले डॉक्टर है, तो जिनकी बदौलत और काशीबाग हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर और मेन इंचार्ज ऐसे रविंद्र सिंह झाला जिनके साथ सहकार और सहयोग से आज काशीबाग हॉस्पिटल में एक कैंप का आयोजन किया गया है। आज संडे का दिन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मरीज उनका लाभ ले सके ऐसा आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसका पैम्पलेट के द्वारा मैसेज वायरल किया था एक महीने पहले कि भाई इसके अंदर जिसको भी लाभ लेना है वो रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा, तो एक महीने पहले से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और लगभग 100-125 से 150 जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप दृश्य में देख सकते हो कितने सारे पेशेंट हैं और सही में ये निसंतान का इश्यू ऐसा होता है कि जिसको होता है उसको ही मालूम है। तो काशीबाग हॉस्पिटल में बहुत ही बढ़िया सुंदर आयोजन किया गया है, इसके अंदर निःशुल्क उनका रजिस्ट्रेशन होता है, निःशुल्क उनका सोनोग्राफी होता है, निःशुल्क उनका निदान होता है, निःशुल्क उनकी चिकित्सा होती है और गाइडेंस भी निःशुल्क दिया जाता है। तो अपने पास हॉस्पिटल के कर्मचारी बोलो, मैनेजमेंट करता बोलो, वो अपने पास है तो हम उनसे ही पूछते हैं कि भाई ये कैंप का आयोजन क्या है और इसके बारे में क्या वो कहना चाहते हैं और इसका क्या मेन हेतु है। क्या नाम सर, क्या परिचय आपका? जी, मेरा नाम बद्रेश पटेल है और मैं इधर काशीबाग हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में हूँ और हमारी हॉस्पिटल काशीबाग हॉस्पिटल और मदरहुड IVF सेंटर अहमदाबाद दोनों के सहयोग से हमने आज व्यंध्यत्व निवारण कैंप का आयोजन किया हुआ है, जिसमें डॉक्टर प्रेरणा साहब अभी जो चीफ गायनेकोलॉजिस्ट है और IVF स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा हमने उनका कंसल्टेंट सभी पेशेंट का कंसल्टेंट करा रहे हैं, वो भी सब फ्री में, सोनोग्राफी सब फ्री में होता है इधर और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का हम आज उनका कंसल्टेंट करवाएंगे इधर। तो पेशेंट को क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाता है? पेशेंट को इधर जब पहले आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद हम प्रेरणा मैडम के पास उनका कंसल्टेशन करवाएंगे, जो भी है सोनोग्राफी का है रिपोर्ट कुछ भी हो जो सब इधर फ्री में होगा। लगभग आपके हिसाब से अभी 12:30 बजे कैंप कितने बजे चालू हुआ? कैंप सुबह 10 बजे चालू हुआ है और कितने पेशेंट ने अभी तक उसका उपयोग किया होगा यानी लाभ लिया होगा? अभी तक 70 पेशेंट का हो गया है रजिस्ट्रेशन। कितने बजे तक चलेगा? 2 बजे तक। 2 बजे तक। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपने जो ये कैंप का आयोजन किया है इसके अंदर इतने सारे मरीज लाभ भी ले रहे हैं, आए भी हैं, बराबर है, तो क्या महसूस कर रहे हो हॉस्पिटल की तरफ से?
हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे तरफ से जितने भी पेशेंट ऐसे हैं जिसका निसंतान है, कुछ बीबी नहीं हो रहा है, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा उनका तकलीफ में सहभागी बने और उनका सब अच्छा हो जाए। उनको मेडिसिन ऐसा कुछ दिया जाता है यहाँ से? हाँ, मेडिसिन भी दिया जाता है वो डिस्काउंट। रिपोर्ट में क्या क्या होता है? रिपोर्ट में वो हस्बैंड और वाइफ का दोनों का रिपोर्ट चेकअप होता है और स्पर्म का भी रिपोर्ट होता है, वो सब होता है। आखिरी सवाल, कासिबा हॉस्पिटल लगभग अभी बोले तो एक दो साल हुआ होगा, बराबर है? एक दो साल से बहुत कम समय के अंदर अभी आज एक से दो कासिबा हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो गया है। इसका जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो रविंद्र भाई झाला सर है, बराबर है, उनके वाइफ है, तो उनकी मेहनत है, आपके स्टाफ की भी बहुत सारी मेहनत है, लेकिन कम टाइम के अंदर इतनी सारी प्रगति की है, तो कासिबा हॉस्पिटल की कोई विशेषता और उसके लिए आपको कुछ कहना चाहते हो? बस हमारा यही हेतु है कि कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ आए तो उसे अच्छे से अच्छी और कम दाम में उसका सब कुछ ट्रीटमेंट हो जाए। तो देख सकते हो दर्शक मित्रों, ये कर्मचारी है और पूरे मैनेजमेंट ये कासिबा हॉस्पिटल का करते हैं। रविंद्र भाई झाला साहब आज किसी काम की वजह से वो यहाँ हाजिर नहीं है, लेकिन हम उनसे भी वार्तालाप करते हैं। लेकिन कासिबा हॉस्पिटल द्वारा जो ये कैंप का आयोजन किया है वो सही में बहुत बढ़िया है, और ये निसंतान का जो प्रॉब्लम होता है दंपति को वो सही में बहुत दिक्कत वाला होता है। कई बाधाएं रखते हैं, कई कई जगह जाते हैं, कई हॉस्पिटल में जाते हैं, कई जैसे जैसे बोले वो हॉस्पिटल में वो खर्चा भी करते हैं, जाते भी है, लेकिन यहाँ कासिबा हॉस्पिटल के अंदर ये अहमदाबाद की हॉस्पिटल और कासिबा हॉस्पिटल के रविंद्र भाई झाला साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, नेचर भी बढ़िया है, तो उनके साथ सरकार से ये किया गया है और ये कैंप के अंदर लगभग 100-125 दर्दी ने अभी तक लाभ लिया है और 2 बजे और उससे भी ज़्यादा होएगा तो ये लोग चलाएंगे। तो आज ये कासिबा हॉस्पिटल की वजह से ही ये कैंप का आयोजन हो पाया है। नो डाउट डॉक्टर लोगों ने अहमदाबाद की हॉस्पिटल ने किया है, लेकिन इनका साथ सरकार नहीं होता तो ये कैंप नहीं हो पाता। तो सही में आज अहमदाबाद शहर की प्रजा, आजू बाजू तालुका की गांव की प्रजा इसका लाभ ले रही है, वो सब गर्व महसूस कर रही है और दिन आए दिन कासिबा हॉस्पिटल द्वारा और भी ऐसे कैंप किए जाएंगे तो ये कैंप के अंदर जितने भी लोग इसका लाभ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, यही इनका कोशिश है, यही इनका ध्येय है। दिव्य भारत न्यूज़, वीरांग मेहता, अहमदाबाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़, सच हर कीमत पर।